नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल परेश जैन में स्वागत है। मेरी पिछली कविता मिट जाते हैं रिश्ते यादें कभी मिटती नहीं को आपने ढेरों लाइक दिए, उस पर कमेंट किए, उसको शेयर की, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये कविता भी आपको उसी कविता की तरह बहुत बहुत पसंद आएगी। आज की ये कविता जिंदगी के उस मुकाम पर है जब आप बहुत ही ज्यादा चारों ओर तकलीफों से घिर जाते हो, जहाँ चारों ओर टेंशन रहता है और उस टेंशन से बाहर निकलने का, उन तकलीफों से बाहर निकलने का आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, नहीं आपके पास कोई सपोर्ट होता है। ऐसी मुश्किल घड़ियों में आपके पास सिर्फ आपका अपना साहस होता है, जिस साहस के बलबूते पर आप तकलीफों से लड़ के फिर खड़े हो जाते हो। कई लोग तकलीफों के सामने घुटने टेक देते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि वो एक समझदारी की बात है। हर तकलीफ का अपना एक अंत होता है, सिर्फ लड़ने का अपना हौसला चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये पोएम भी मेरी पिछली पोएम की तरह आपको बहुत पसंद आएगी, और उम्मीद करता हूँ कि इस पोएम के ऊपर भी आप ढेरों लाइक देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाली सभी पोएम्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। ये तकलीफ मेरी है, मुझको अकेले ही लड़ने दो, लड़ के मैदान जंग में मुझको तुम अब बनने दो। जिंदगी जीतती है हमेशा, मौत तो हार के आती है, आखिरी सांस तब भी बाकी है, मुझको तुम अकेले संभलने दो। अकेले रास्ता चुना है मैंने, अकेले मंजिल तक पहुंचने दो, रास्ता बड़ा कठिन है ईश्वर, मुझको तुम मत भटकने दो। आया दुनिया में अकेला हूं, अकेले ही मुझे रहने दो, मौत को थकाने का साहस है मुझ में, मुझको जिंदगी में तुम कुछ बनने दो। चाहे जितने ताने मारो, जिसे जो चाहे कहने दो, हर तकलीफ का एक अंत होता है, एक नया सूरत तो तुम निकलने दो। शब्दों से मत वार करो तुम, बहुत हो गया रहने दो, किताबें भरी पड़ी पास है मेरे, मुझको तुम अब चुप रहने दो। ये तकलीफ मेरी है, मुझे ही तुम अब लड़ने दो, लड़के मैदान जंग में मुझे ही तुम अब मरने दो, मुझे ही तुम अब मरने दो। धन्यवाद।